स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। तो आप लोगों को पता होगा, आगे जो है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन का वैकेंसी जो बहुत सारे जगह में आ चुका है, चाहे OSSB ओडिशा में हो, चाहे आप लोगों का न्यू दिल्ली में हो DSSB के लिए, या फिर ESIC ऑल इंडिया लेवल में बहुत सारे वैकेंसी जो सारे रीजन में ऑलरेडी आ चुका है। तो वैसे ही आप लोगों का जैसे कि प्रिपरेशन चल रहा है, और उसके साथ थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी, जैसे कि आज से हमारा थोड़ा सा सैंपल पेपर चलेगा टेली और एग्जाम। तो सैंपल पेपर 1 जो है आज हम लोग गाइस बात करने वाले हैं। सो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिकॉज इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे लैबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसी के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एज वेल एज अगर कोई भी चैप्टर आपके डाउट है डीएमएलटी सिलेबस में, ठीक है, उसका भी अगर आप लोगों को पूरा लेक्चर देखना है, वो सब कुछ भी आप लोगों को यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहीं पे, व्हिच ल्यूकोसाइट रिलीज हेपरिन एंड हिस्टामिन इन ब्लड। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है, आप लोग बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। ऐसा कौन सा ल्यूकोसाइट पूछा है, यानी कौन सा WBC पूछा है जो कि हेपरिन एज वेल एज हिस्टामिन रिलीज करेगा। हेपरिन इज अ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन योर बॉडी, ऑल ऑफ यू नोस दैट, राइट? तो ये आप लोगों का नेचुरल एंटीकोएगुलेंट आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो कि आप लोगों को बॉडी का जो ब्लड है उसको कोएगुलेशन नहीं करने देता, उसको क्लॉटिंग नहीं करने देता। और उसके बाद हिस्टामिन, दिस इज एलर्जन फैक्टर, है ना, हिस्टामिन जो होता है इन्फ्लेमेटरी फैक्टर होता है, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड। लेकिन क्वेश्चन पूछा है ऐसा कौन सा ल्यूकोसाइट है जो कि इस चीज को रिलीज करता है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स और मोनोसाइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर बेसोफिल। बेसोफिल जो होता है ऐसा WBC होता है, उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो ये क्या करता है, रिलीज करता है आप लोगों का हेपरिन एज वेल एज हिस्टामिन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एब्सेंस ऑफ विच क्लॉटिंग फैक्टर लीड्स टू हीमोफीलिया ए। तो ऑप्शन सारे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, फैक्टर नंबर 7, 8, 9 एंड 10। तो क्लॉटिंग फैक्टर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आप लोगों को याद होंगे बिल्कुल, अगर नहीं भी याद है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज को ध्यान रख ले, इस चीज को पढ़ ले, नोट कर ले, ठीक है। तो ऐसा कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो कि आप लोगों का हीमोफीलिया ए कि अब्सेंस में आप लोगों का होता है। तो गाइज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा या फिर 10 होगा। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर AHG, तो क्या होता है वो, कौन सा वाला क्लॉटिंग फैक्टर होता है, बताइए बताइए मेरे को बताइए। सो दैट इज योर फैक्टर, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड सेल काउंट इज कैरेड बाय, तो जो रेड सेल होता है आप लोगों का RBC होता है ना, एरिथ्रोसाइट्स होता है, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से आप लोग इसे काउंट करते हो, इलेक्ट्रोग्राम, स्फिग्मोमैनोमीटर जो कि आप लोग जानते हैं, हीमोसाइटोमीटर, हीमोग्लोबिनोमीटर। बहुत ही इजी सा सवाल है, आप लोग बिल्कुल फर्स्ट ईयर में इस चीज को बारे में पढ़ाई कर लिया होगा आई गेस, है ना। तो इलेक्ट्रोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ECG होता है उसमें आप लोग हार्ट रेट चेक करते हो, और उसके बाद EEG जो होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है, आप लोग ब्रेन का टेस्ट करते हो, और उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर में आप लोग BP चेक करते हो, यस और नो, और उसके बाद आता है हीमोसाइटोमीटर एंड हीमोग्लोबिनोमीटर। नाम से ही पता चल जाएगा हीमोग्लोबिनोमीटर मतलब हीमोग्लोबिन चेक हो रहा होगा, लेकिन गाइज ये जो हीमोसाइटोमीटर होता है ना, यहीं से आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का रेड सेल काउंट आप लोग करते हो, एरिथ्रोसाइट का काउंट करते हो। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ हीमोसाइटोमीटर। जो दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ब्लड बफर्स, एक्सर्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल। तो आप लोगों को पता होगा प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं, बताइए तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में मुझे, प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं, प्लाज्मा आप लोगों का प्लाज्मा और उसके प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, सो दीज आर योर फिब्रिनोजेन, दीज आर योर प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। और ये प्लाज्मा प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है, यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड बफर होता है, या फिर एग्जॉर्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूं आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल। ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड का ब्लड बफर जैसे भी एक्ट करेगा, एज वेल एज ऑस्मोटिक प्रेशर भी ये एग्जर्ट करता है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर ऑल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इन व्हिच स्टेज ऑफ एरिथ्रोसाइट्स हीमोग्लोबिन अपीयर्स फर्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
हीमोग्लोबिन जो होता है वो एरिथ्रोसाइट्स के अंदर होता है, आरबीसी के अंदर होता है, ऐसा कौन सा स्टेज आ जाता है एरिथ्रोसाइट का जिसमें हीमोग्लोबिन फर्स्ट अपियर होने लगते हैं, है ना? लेट एरिथ्रोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट एज वेल एज रेटिकुलोसाइट। तो रेटिकुलोसाइट इमैच्योर आरबीसी को बोलते हैं, पूछा जा सकता है इन योर एग्जामिनेशन। लेकिन एरिथ्रोसाइट के कौन से कंडीशन में हीमोग्लोबिन पहले आ जाएगा, दैट इज योर नन अदर देन लेट एरिथ्रोब्लास्ट, या फिर अगर ऑप्शन में आप लोगों को अर्ली नॉर्मोब्लास्ट भी मिल रहा है ना तो भी दैट इज योर करेक्ट आंसर। यानी अगर आप लोग स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन का देखोगे, सो लेट एरिथ्रोसाइट, लेट एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज एंड अर्ली नॉर्मोब्लास्ट स्टेज जो होता है, इसी बीच में ही हीमोग्लोबिन फॉर द फर्स्ट टाइम अपियर होने लगते हैं इन योर एरिथ्रोसाइट्स। इसको याद रख लीजिएगा सब लोग, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is present in normal blood? तो ये चार options दिए गए हैं, जैसे कि fibrinogen, thrombin, prothrombin, plasma। इसमें से कौन सा जो होता है आप लोगों का normally blood में present होता है? Fibrinogen is a clotting factor, prothrombin is a clotting factor, plasma जो होता है that is a plasma, without a plasma आप लोगों का blood क्या ही होता है, सिर्फ formed elements, सिर्फ cellular elements मिलेंगे। लेकिन ये जो thrombin है ना, this is a enzyme actually। ये क्या होता है, generally ये present नहीं होता। ये क्या होता है, when it कोएगुलेशन के टाइम पे क्लॉटिंग, कहीं पे आप लोगों का ऊंड हो गया, वहीं पे प्लेटलेट आप लोगों का क्लॉटिंग चाहिए, तो उस कंडीशन में थ्रोम्बिन इज रिलीज्ड, ये एंजाइम है, ये रिलीज होता है व्हिच हेल्प्स इन योर क्लॉटिंग। तो ये हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मली दिस इज नॉट प्रेजेंट इन योर ब्लड, बट इन केस ऑफ क्लॉटिंग दिस इज फॉर्म्ड, ठीक है? ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज डन टू मेजर डैश इन बॉडी। बॉडी में आप लोग ये सर टेस्ट क्यों करते हैं? ये सर बहुत ही जनरल टेस्ट है, आप लोग वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब में करते हो। ESRNE, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी इसमें आप लोग देखते हो कि एरिथ्रोसाइट जो होते हैं सेडिमेंटेशन कितना होता है इनर वन आर। कभी कभार टू आर भी डॉक्टर लिख देते हैं, तो उसमें भी आप लोग चेक करते हो कि ये सर का वन आर में एज वेल एज टू आर में कितना क्या होता है ESR, आप लोग चेक करते हो। आप लोग उसे वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब से भी कर सकते हो, आप लोग उसे विंड्रॉफ मेथड से भी कर सकते हो, और ESR का नॉर्मल रेंज कितना होता है ये बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, आप लोग पढ़ लीजिए ESR का नॉर्मल रेंज कितना होता है मेन का एज वेल एज वीमेन का, ठीक? तो अभी यहीं पे जानना है ESR हम लोग करते क्यों है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर इन्फ्लेमेशन। कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स अगर बॉडी में आया होगा तो आप लोगों का ESR क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। समझ रहे हैं सब लोग? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स अगर कुछ होगा तो आप लोगों का जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है इट विल इंक्रीज, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एरोबिक बैक्टीरिया मीन्स, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सा चीज है, 7-8 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? नीड्स ऑक्सीजन फॉर इट्स ग्रोथ, ग्रोज ओनली एट हायर टेम्परेचर, ग्रोज ओनली एट एल्कलाइन पीएच, ग्रोज एट एसिडिक पीएच। एरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया का नाम आप लोग जानते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज जो होते हैं दे आर एनएरोबिक बैक्टीरिया। उसको कल्चर करने के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, RCM और CMB, यानी रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ आप लोग यूज करते हो, जहीं पे आप लोगों को ऑक्सीजन अब्सेंस होता है पूरा एकदम, उसमें ऑक्सीजन होगा ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? दैट इज योर एनएरोबिक बैक्टीरिया। लेकिन क्वेश्चन पूछा है क्या, एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो क्या हो जाएगा, जनरली सारे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर एरोबिक। सो एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब होता है नीड्स ऑक्सीजन फॉर इट्स ग्रोथ। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? Is that clear all of you? चलिए next question देखते हैं। Next question आप लोगों के सामने, bacteria belongs to which of the following classes? बहुत ही important सा सवाल है। ये जो आप लोग microorganisms बोलते हो, bacteria हो गया, virus हो गया, parasites हो गया, fungus हो गए, so these are your microorganisms or microbes। लेकिन ये जो bacteria वाला class है, ये कौन से classes के under में आ जाएगा? Prokaryotes, eukaryotes, protozoans, keratocytes। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग बता दीजिए थोड़ा सा मुझे, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो बैक्टीरिया आर वेरी प्रिमिटिव इन नेचर, दे डोंट हैव एनी ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं नहीं होते हैं इतने अच्छे से, और उसके बाद उसका जो सेलुलर ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी सारे सब कुछ प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए एज दे आर वेरी मच प्रिमिटिव इन नेचर, सो दे विल बिलोंग टू दिस क्लास प्रोकैरियोट्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव होता है,
प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है दे आर वेरी मच प्रिमिटिव इन नेचर, दे डोंट हैव एनी ट्रू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. लेकिन इफ विल सी यूकैरियोट्स, यू मतलब होता है ट्रू, यू मतलब होता है ट्रू, जिसके पास कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, और जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस एज वेल एज ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा दे आर योर यूकैरियोट्स. और यूकैरियोट्स का एग्जांपल्स क्या हो जाएगा आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, तो वैक्सीन आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं वैक्सीन को, क्योंकि अभी कोविड के बाद ही आप लोगों ने क्या किया है, वैक्सीन लिए हैं सभी लोग, सभी बच्चे वैक्सीन ले लिए हैं ना, वेरी गुड, लेना भी चाहिए. तो वैक्सीन जो होते हैं आप लोग आर्टिफिशियली उसको बाहर से लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों की बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, जब भी आप लोगों का ओरिजिनल जो पैथोजन है, जो ओरिजिनल एंटीजन है, जब आप लोगों को अटैक करेगा तो आप लोग तुरंत ही वो वाला एंटीबॉडी खुद बना सकते हो. ठीक है, तो ये वैक्सीनेशन होता है, तो उसको पहले जो है किन्होंने ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है, लुईस पैस्चर, नो, जोसेफ लिस्टर, नो, क्रेब्स, हैंसल, नो. सो द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, इस चीज को भूलना नहीं है. ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है. तो अमीनो एसिड्स दे कंस्टिट्यूट टुगेदर टू फॉर्म योर प्रोटीन, जैसे कि आप लोगों को सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं आप लोगों के बॉडी के लिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिंस, मिनरल्स, एवरीथिंग चाहिए होते हैं, वैसे प्रोटीन भी चाहिए होता है. क्वेश्चन पूछा है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड का नाम बताना है, ग्लाइसिन, एलेनिन, सिस्टीन, वलीन, दीज फोर आर योर अमीनो एसिड्स. और वैसे ही आप लोगों को भी याद होगा 20 एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड्स का नाम एज वेल एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का नाम, सभी बच्चों को याद है, वेरी गुड. नहीं याद है नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए इस चीज को, एसेंशियल अमीनो एसिड एज वेल एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का नाम जो है क्या हो जाएगा. सो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, अमीनो एसिड सल्फर कंटेन जो करता है दैट इज नन अदर देन सिस्टीन. क्या हो जाएगा, सिस्टीन हो जाएगा. सिस्टीन इज द ओनली अमीनो, सिस्टीन इज द अमीनो एसिड व्हिच इज योर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. हुआ, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों का याद रह गया क्या. चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. चैनल पर पहली बार आए हैं ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए, अगर चाहते हैं आप लोग एग्जामिनेशन के लिए आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाएं, तो इस चैनल को आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, और कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, माई इंस्टाग्राम आईडी इज इन द डिस्क्रिप्शन. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्लीप वेक साइकिल, आप लोग सोते हो आप लोग जागते हो, ये जो साइकिल एक होता है कि 11 बजे आप लोगों को नींद आ जाती है, 7 बजे आप लोगों का नींद खुल जाता है, इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट, आप लोग मतलब अभी आप लोगों का अलार्म आया है, पहले जमाने में अलार्म वगैरह नहीं था, तो फिर भी वो लोग उठ जाते थे, और वो भी टाइम से जनरली, मतलब आज मतलब 5 बजे उठना है, मतलब आप लोग उठ जाते थे 5 बजे, वैसा क्यों, या फिर अभी भी अगर आप लोग देख लोगे अलार्म भी अगर आप लोगों ने नहीं दिया है, ठीक है, अलार्म आप लोगों ने नहीं दिया है, लेकिन क्या होता है आप लोगों ने सोचा है कि 5 बजे उठना है और आप लोग बिल्कुल उठ जाते हो, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट. तो ये जस्ट एक साइकिल की तरह होता है, ये हमारे बॉडी में एक अलार्म भी है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल अलार्म. तो ये इंटरनल अलार्म का क्या ही कंसेप्ट है, चलिए देखते हैं. स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करने वाला है. स्पाइनल कॉर्ड तो बिल्कुल होगा नहीं, सेरेब्रम भी नहीं होता है, एपिथैलेमस भी नहीं होता है, हाइपोथैलेमस कुछ से, और उसके बाद पाइनियल ग्लैंड से जो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेशन होता है, पाइनियल ग्लैंड से जो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेशन होता है, ये जो हार्मोन जो होता है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर स्लीप वेक साइकिल. सभी लोग इस चीज को याद रख लेंगे ना, याद हो जाएगा ना इस चीज कि कौन सा चीज जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एंड व्हिच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर स्लीप वेक साइकिल. हुआ, हाइपोथैलेमस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ विटामिन सी, इट एक्ट्स एज एंटी ऑक्सीडेंट, इट ऑल्सो एक्ट एज एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जब आप लोगों का मतलब स्किन जो है स्क्रैच हो जाता है ना, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरा जो स्किन है ये वाला स्किन है, लेकिन थोड़ा सा मैं 60 ईयर का हो जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, इट विल स्क्रैच डाउन, ठीक है, ऐसे ऐसे करके स्क्रैच हो जाएगा स्किन जो है मेरा.
तो अगर आप लोगों को वैसा नहीं करना है, आप लोग नहीं चाहते कि बहुत ही जल्दी आप लोगों का स्किन जो है स्क्रैच हो जाए, या फिर आप लोग जानते होंगे जो सीरम आप लोग यूज करते हो, है ना, सीरम, फेस सीरम जो यूज करते हो, उसमें लिखा होता है वाइटामिन सी रिच सीरम, वाइटामिन सी रिच सॉप भी आ गया है। तो ये सारी चीजें जो है वाइटामिन सी जस्ट बिकॉज ये आप लोगों का एज ए एंटी ऑक्सीडेंट हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका सोर्स क्या है, आप लोग बचपन से ही जानते हैं विटामिन सी, उसका नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और उसके बाद इसका जो सोर्स है साइट्रस फ्रूट से, यानी खट्टे वाले जो चीज होते हैं साइट्रस फ्रूट जो होते हैं इसका सोर्स होता है, टमाटो, कैरेट, मिल्क, चिकन लिवर। इसमें से साइट्रस फ्रूट्स में क्या आ जाएगा, खट्टे वाले चीज में कौन सा आ जाएगा, दैट इज नन अदर देन ऑप्शन नंबर एट, टमाटो। टमाटो विल बी रिच इन योर विटामिन सी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिम्फोइड ऑर्गन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो लिम्फोइड ऑर्गन जैसे कि आप लोग बोल सकते हो बोन मैरो हो गया, लिम्फ नोड हो गया, स्प्रिंग हो गया, दीज आर ऑल ऑफ योर लिम्फोइड ऑर्गन्स, एवरीवन नोज दैट। लेकिन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में अगर आपको डिफरेंस पता होगा देन यू कैन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है एज वेल एज सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आप लोगों का आ जाएगा बोन मैरो, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आप लोगों का आ जाएगा लिम्फ नोड एज वेल एज योर स्प्लीन। सो दीज आर योर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जैसे कि क्वेश्चन पूछा है तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बोन मैरो। बोन मैरो में आप लोगों का और क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होते हैं, ग्रेवियर्ड ऑफ आरबीसी क्या होता है, स्प्लीन होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिया गया है ए फ्लूइड सिक्रेटेड बाय न्यूनेटल मदर्स ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स दैट बूस्ट ए बेबी इम्यून सिस्टम एंड हेल्प फाइट इन्फेक्शन। क्वेश्चन लग रहा है ना कितना बड़ा सा क्वेश्चन, फ्लूइड होता है, न्यूनेटल मदर होते हैं, ये लैक्टेशन होता है, न्यूट्रिएंट कंटेन करना है, बेबी को इम्यून चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, नहीं घुमा फिरा के बस यही पूछा है। लैक्टेशन, बेबी को जब आप लोग फीड करते हो जो फर्स्ट मिल्क होता है इनिशियल डेज का, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, सीबम, साइनोविया, कोलोस्ट्रम, सेरुमेन। बहुत ही इजी सवाल है, आप लोग पहले से फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज आप लोग जानते होंगे, दैट इज अ कोलोस्ट्रम। जो लैक्टेशन जो होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जब होता है, जब आप लोगों का बेबी को मिल्क दिया जाता है फ्रॉम इट्स मदर, तो क्या होता है इनिशियल डेज का लैक्टेशन जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, फाइट अगेंस्ट योर इन्फेक्शन एंड एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, दैट इज योर कोलेस्ट्रॉम। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्लाज्मा हैज अ पीएच ऑफ, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ब्लड का जो प्लाज्मा है उसका पीएच कितना होता है, इट इज नीदर एसिडिक नॉर एल्कलाइन, तो स्लाइटली एल्कलाइन बोल सकते हैं हम लोग, दैट इज योर 7.35 से 7.45 उसका पीएच होता है। लेकिन यहीं पे ऑप्शन में आप लोगों को 7.4 दिया है, देन यू हैव टू चूज योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर 7.4। नेक्स्ट दिया गया है द ऑर्गन सिस्टम विच इज अफेक्टेड बाय एड्स डिजीज इज, एड्स डिजीज acquired immunodeficiency syndrome caused by the virus called HIV, human immunodeficiency virus। तो ये जो AIDS होता है ये आप लोगों का कौन सा सिस्टम को जनरली अफेक्ट कर देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं, रेस्पिरेटरी को नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो भी नहीं, लेकिन इट विल सियोरली अफेक्ट टू योर इम्यून सिस्टम, जहां पे आप लोगों का इम्यूनिटी कम हो जाएगा, इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है AIDS पेशेंट वालों को इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। जानते हैं ये वाला वर्ड, यस और नो, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट का मतलब होता है इम्यूनिटी उनका कम्प्रोमाइज हो चुका है, इम्यूनिटी अब उनके पास है नहीं, इम्यून सिस्टम उनका लो हो गया है, वीक हो गया है, डिक्रीज हो गया है, तो इसीलिए और बाकी सारे जो डिसीजेस हैं दे विल अटैक। जब आप लोगों का इम्यूनिटी कम हो जाता है तब आप लोगों का क्या होता है, बाकी सारे डिजीजेस, बाकी सारे पैथोजेन जो होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि दे विल अटैक, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट दिया गया है ड्यूरिंग एन एलर्जिक इम्यून रिस्पॉन्स हिस्टामिन इज रिलीज फ्रॉम, तो हिस्टामिन वहीं पे हम लोगों ने देख लिया ब्लड सेल में आप लोगों का कहां से रिलीज होता है, बेसोफिल से। लेकिन कोई भी एलर्जिक इम्यूनिटी आता है मतलब एलर्जी के टाइम पे भी आप लोगों का हिस्टामिन रिलीज होता है, दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज ऑल्सो बैड, ठीक है। गुड केस में आप लोग बोल सकते हैं कि इट विल प्रोटेक्ट योर, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, तो कभी कभार दिस इज ऑल्सो बैड, ठीक है, तो इसको आप लोगों का ये साइड इफेक्ट भी रहता है।
इस टाइम पे कौन से जगह से आप लोगों का हिस्टामिन जो है रिलीज होता है? बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, मस्त सेल्स, स्पेशल लिम्फोसाइट्स दैट आल्सो सिक्रेट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेशल लिम्फोसाइट्स दैट आल्सो आईजीई। आईजीई यानी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रेस्पॉन्स में आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन सिक्रेशन होता है, यस और नो? तो इस एलर्जिक इम्यून रिस्पॉन्स में हिस्टामिन जो होता है यहीं से ही रिलीज होता है, ठीक है, स्पेशल लिम्फोसाइट से, जो कि आप लोगों का आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन भी सिक्रेट करता है। समझ में आया सबको? वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक आप लोग नहीं करते, आप लोगों के लिए फ्री है लेकिन ये मेरे को मोटिवेशन देता है, ठीक है। एक्चुअली तो हाउ मेनी एंटीजन बाइंडिंग साइट्स डज अ पेंटामोरिक आईजीएम मॉलिक्यूल कंटेन? आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू। कोई भी रिसेंट इन्फेक्शन होता है तो तुरंत ही आप लोगों का आईजीएम प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो रिसेंटली आईजीएम प्रोडक्शन होता है। दिस इज अ पेंटामोरिक मॉलिक्यूल, इसका मतलब पांच मॉलिक्यूल आर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द आईजीएम मॉलिक्यूल, एंड दिस इज ऑल्सो मिलियनर मॉलिक्यूल, जो कि एमसीक्यू में पूछता है। क्वेश्चन पूछा है एंटीजन बाइंडिंग साइट, मतलब ये एक एंटीबॉडी है ना, तो एंटीजन इसके साथ अटैच करेंगे, तो कितना एंटीजन बाइंडिंग साइट उसके पास है? तो बता दूं, ये जो आप लोगों का वाई शेप्ड एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर होता है वाई शेप्ड, एक हेवी चेन होता है, दो हेवी चेन, दो लाइट चेन होते हैं उसको बोलते हैं। अगर हम लोग देखेंगे हेवी चेन एक और लाइट चेन एक, और जिसमें दो बाइंडिंग साइट होते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी एक मॉलिक्यूल के पास दो एंटीजन बाइंडिंग साइट होंगे, यानी आईजीएम मॉलिक्यूल में पांच मॉलिक्यूल है, तो 5 × 2 = 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होंगे, लेकिन 10 इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि 5 एंटीजन बाइंडिंग साइट बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रांस ये काम नहीं करते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर 5, यानी 5 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स पेंटामोरिक आईजीएम मॉलिक्यूल कंटेन। हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा दैट इज नॉन अदर दैन योर इम्यूनोग्लोबुलिन जी, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, जो कि प्लेसेंटा क्रॉस करके आप लोगों का फीटस में आ जाता है, और इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू जो होता है, कोई भी रिसेंट इन्फेक्शन होता है तो आईजीएम प्रोडक्शन होता है, और कौन से भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स जैसे कि आप लोगों का मिल्क हो गया, फ्लूइड जो भी होता है उसमें आईजीए कंटेन होता है, एज वेल एज आईजीई का इंपॉर्टेंट रोल यही होता है। कोई भी एलर्जिक रेस्पॉन्स, कोई भी इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में आईजीई एक्टिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कुप्पर सेल्स आर फाउंड इन स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। सो कुप्पर सेल्स आर फागोसाइटिक सेल्स, ठीक है, दे फागोसाइटोज एनगल्फ द एंटीजेंस, राइट। तो कुप्पर सेल्स जो होते हैं स्टमक में नहीं पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन योर लीवर विच कंटेन योर हेपेटोसाइट्स, है ना, लीवर के सेल को हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। तो कुप्पर सेल्स जो होते हैं ये किस में पाए जाएंगे? दैट विल बी प्रेजेंट इन योर लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिहेव एज एपीसी, तो ऐसा कौन सा इसमें है जो कि आप लोगों का एपीसी के तरह बिहेव नहीं करता है? तो एपीसी क्या होते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। तो इसका काम यही रहता है, कोई भी एंटीजन आएगा उसको लेके दिखाएंगे, अच्छा देखो ये वाला ना एंटीजन आया है, सभी लोगों को, सभी मतलब हमारे सेल्स को, हमारे सारे ऑर्गन्स को, मतलब वो दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल एंटीजन पैथोजन कोई भी आया है तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो मैक्रोफेज दे आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, यस। डेंड्राइटिक सेल्स दे आर ऑल्सो योर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट आ गया है बी लिम्फोसाइट्स, दे आर ऑल्सो योर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, लेकिन ये जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ना, दे विल किल डायरेक्ट, वो प्रेजेंट क्यों करेंगे, उनके पास कैपेसिटी है, दे विल किल, तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर में नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज योर नेचुरल किलर सेल्स। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई द ऑटो इम्यून डिसीजेस अमंग द फॉलोइंग। ऑटो इम्यून डिसीजेस का मतलब होता है सेल्फ एंटीजन को हमारे सेल्फ एंटीबॉडी क्या करेंगे, उसको फॉरेन समझने लगेंगे, जिस वजह से आप लोगों का अपना खुद का इम्यूनिटी जो है लो हो जाएगा, दैट इज योर ऑटो इम्यून डिजीजेस। इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा डिजीज जो है दैट इज योर ऑटो इम्यून डिजीज में आ जाएगा? टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस नहीं, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ योर इंसुलिन रेजिस्टेंस। जेस्टेशनल डायबिटीज, जो आप लोगों का जब आप लोग कोई भी प्रेग्नेंट होता है, प्रेग्नेंट वुमेन में दिखाई देता है, शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है, दैट इज योर जेस्टेशनल डायबिटीज। फॉर्निसियस एनेमिया,
इट्स बिकॉज ऑफ योर डेफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कम हो जाएंगे, बनी से एनीमिया में, यस और नो? ठीक है, दैट इज नॉट ऑल्सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस जो होता है, जहां पे आप लोगों का इंसुलिन जो है सिक्रेशन नहीं होता है, हुआ आइलेट ऑफ लैंगरहंस से सिक्रेशन नहीं होता है, इट्स बिकॉज ऑफ ऑटोइम्यून डिजीजेस। ये टाइप 1 डायबिटीज मिलेटस जो हो जाएगा, दिस विल बी योर ऑटोइम्यून डिजीजेस फ्रॉम दिस 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन कंडीशंस इज रिलेटेड टू अब्सेंस ऑफ थाइमस ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत सारे जैसे कि आप लोग जानते हैं, और थाइमस ग्लैंड जो होता है यहीं पे प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड। क्वेश्चन पूछा है इसमें से, थाइमस ग्लैंड अगर अब्सेंट हो गया तो इस कौन सा सिंड्रोम को, कौन सा डिसीज को ये रिलेट करेगा? न्यूडमाइस, डाउन सिंड्रोम, डीजर्ट सिंड्रोम, बर्किट्स लिम्फोमा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, आई डोंट थिंक कि सभी बच्चों के पास ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा, तो मैं बता देती हूँ इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा। थाइमस ग्लैंड जब अब्सेंट होता है, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं, माइस वगैरह होते हैं, गाइनिया पिग होते हैं, अगर उनका थाइमस ग्लैंड को रिमूव किया जाता है तो उसको न्यूड माइस बोलते हैं, लेकिन जब ये पूछा है ह्यूमन के बारे में तो ये कौन सा सिंड्रोम हो जाएगा, दैट इज योर डी जर्ट सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर कॉल्ड एज सिंड्रोम, तो उसी तरह ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है डी जर्ट सिंड्रोम, दैट इज योर अब्सेंस ऑफ थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आके लास्ट क्वेश्चन में, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने ये दिया गया है। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ऐसे ही सैंपल पेपर फॉर योर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसी के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ठीक है, तो एक्रोसोम इज फिल्ड विथ, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म ये जो होता है ये किस चीज से फिल होके होता है, लिपिड्स, हॉर्मोन्स, डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर नॉन ऑफ द अबव? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो जो लोग बताएंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको थैंक्स बोलने वाले हैं। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, प्रिपरेशन एकदम बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है इस साल। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, माय इंस्टाग्राम आईडी इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, थैंक यू।